मॉर्निंग डियर रेस्टोरेंट। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वीवीटी और टीएससी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमें मेरी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। इसमें कहा गया है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी NiCN होल 4 2 माइनस आयन विथ ए स्क्वायर प्लेनर इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl 4 2 माइनस आयन विथ टेट्राहेड्रल सिमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक कंपाउंड दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट NiCN होल 4 2 माइनस और एक और कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCl 4 2 माइनस। पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा गया है कि ये स्क्वायर प्लेनर है और दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा गया है कि ये टेट्राहेड्रल है। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये स्क्वायर प्लेनर होने के साथ डायमैग्नेटिक भी है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है वीबीटी के अकॉर्डिंग। कौन सा थियोरी के अकॉर्डिंग? वीबीटी के थियोरी के अकॉर्डिंग हमें हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा है NiCN होल 4 2 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में अगर हम लोग Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहे Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे? x प्लस माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 2, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2। यहां पर जो निकल है एटॉमिक नंबर 28 है और इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन
3d8 4s2, और अगर निकल प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0, 3d8 4s0, 3d8 4s0। अगर 3d8 की ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बनाना चाहे तो ये d ऑर्बिटल का रहा, और ये s, d में 5 ऑर्बिटल हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आठों इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ फिल करना चाहे तो ऐसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फोर एस खाली है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा 4p, और ये भी क्या है, 0। पी में हम लोग देखेंगे कि पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर NiCN 442- कॉम्प्लेक्स के अंदर साइनाइड आयन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहले पेयर करा देगा। पहले क्या करा देगा, पेयर करा देगा। पेयरिंग कराने पर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पेयरिंग करते समय होगा ये कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 4 लिगांड है और सबकी डेंसिटी 1 है, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, और ये हम लोग यहां से ले सकते हैं। एक लिगांड
दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए चार लिगांड 8 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक ऑर्बिटल में हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए चार ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी। और ये चारों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से है, चारों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से डी एस पी टू। तो इस कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन हमें मालूम हो गई डी एस पी टू। और जब कोई कॉम्प्लेक्स डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन का होता है तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू जीरो, हेंस दिस कॉम्प्लेक्स NiCN होल फॉर 2- इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसी क्वेश्चन में NiCl होल फॉर 2-। कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है? NiCl फॉर 2-। यहां भी अगर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो हमें देखने को मिलेगा x प्लस माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल टू प्लस 2। इस तरह से अगर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे आर्गन, जो कि अभी अभी लिखा था 3D8 4S2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CMI है Ni+2, तो हमें Ni+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी आर्गन 3D8 4S0। और अगर हम लोग इस d ऑर्बिटल का डायग्राम बनाए तो ये d रहा, इसी तरह से ये s, और हमें आगे 4p भी खाली देखने को मिलेगा। ये 3D, ये 4s, और ये क्या हो गया 4p। यहां भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो है। d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और p के अंदर हमें 3 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें Cl- एक वीक लिगांड दिखता है, और ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए चार लिगांड को रखने के लिए हमें एक्सटर्नल ऑर्बिटल की जरूरत होगी,
इस बार पेयरिंग नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गया यहां से, sp3। और जब कोई कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। और इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर पाए VBT के अकॉर्डिंग NiCl4 होल 2 माइनस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है, साथ साथ पैरामैग्नेटिक होता है, और NiCN होल 4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही डायमैग्नेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, NiCl4 होल 2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन में दे रखा है NiCl4 2 माइनस, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पैरामैग्नेटिक, और NiCO4 2 माइनस ये कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया था कि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलता है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक भी है। पैरामैग्नेटिक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया था कि ये पैरामैग्नेटिक है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हुई तो हम लोग लिखेंगे आर्गन थ्री डी एट फोर एस टू। इस तरह से हमें आर्गन में 3D के लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना होगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है,
एट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सीओ यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगांड है, स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगांड। स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगांड इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग होगा। डी में भी दो इलेक्ट्रॉन है, पहले हम लोग उसको भर लेते हैं, ए सॉरी एस में 1, 2। पेयरिंग कराने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आकर के पेयर कर देगा। इस तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, पेयर करा लिया। अब हमें चाहिए 4 लिगांड से आए हुए 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इस तरह से। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो देखने को मिला। और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए जिसमें देखा है NiCl4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक है और NiCO4 डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Fe H2O whole 6 3+ and FeCN whole 6 3- is weakly paramagnetic। दो तरह के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, Fe H2O whole 6 +3 और एक और कॉम्प्लेक्स है Fe CN whole 6 3-। पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा गया है ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा गया है कि ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। यह हमें एक्सप्लेन करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स को देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए
हम लोग अलग अलग लिखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स में। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है Fe H2O whole 6 plus 3, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Fe CN whole 6 3 minus। दोनों ही कॉम्प्लेक्स में हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस 3 देख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा, और यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 देखने को मिलेगा। जब प्लस 3 होगा तो हमें D5 नाम का इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, और यहां भी D5 नाम का इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 3D5। अब अगर हम लोग D5 के लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल बना पाएंगे D5 के लिए। और 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते, और यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि H2O एक वीक फील्ड लिगांड है। H2O वीक फील्ड लिगांड है, और ये CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। इसलिए यहां पर पेयरिंग पॉसिबल है, सॉरी पेयरिंग नॉट पॉसिबल, और यहां पर पेयरिंग पॉसिबल है। और जैसे ही इसमें पेयरिंग पॉसिबल होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर देगा। इस तरह से देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रह जाएगा। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, हालांकि दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये वीक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि Fe H2O whole 6 plus 3 स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है और Fe CN whole 6 3 minus वीक पैरामैग्नेटिक है। दोनों जगह लिगांड के फील्ड में डिफरेंस है। H2O वीक फील्ड लिगांड है, इसलिए इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा,
इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और सीएन माइनस एक स्ट्रांग फील्ड लिगांड है, पेयरिंग पॉसिबल होगा यहाँ पर, और इसलिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या एक देखने को मिलेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या अगर एक हो जाए तो यह भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये वीक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना चाहे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस वन सॉरी टू अंडर रूट। अगर एक बार n का वैल्यू 5 रख करके सॉल्व करें तो हमें रूट 35 देखने को मिलेगा, और एक बार अगर n का वैल्यू 1 रख करके पुट करें तो हमें n का वैल्यू रूट 3 मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस कंपाउंड के लिए म्यू का वैल्यू अंडर रूट 35 हो जाएगा, और इस कंपाउंड के लिए अंडर रूट 3 हो जाएगा। और म्यू जो है H2O के केस में ज्यादा आ रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन CO NH3 होल 6 प्लस 3 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड NiH3 होल 6 प्लस 2 ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और एक को प्रूफ करना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है CO NH3 होल 6 प्लस 3, और एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiNH3 होल 6 प्लस 2। दोनों कॉम्प्लेक्स में हमें दोनों कॉम्प्लेक्स में हमें प्रूफ करना है कि पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर ऑर्बिटल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो आउटर ऑर्बिटल है। अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर प्लस 3 है, और इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्लस 2 देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा D6, और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा हमें D8। इस तरह से अगर हम लोग D के लिए ऑर्बिटल बनाए डी के लिए ऑर्बिटल बनाए
और इसमें हमें भरना होगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां भी हम लोग अगर डी के लिए ऑर्बिटल बनाए तो हमें इसमें भरना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, और यहां हमें भरना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर NH3 है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगांड क्या है, NH3, और NH3 लिगांड स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होता है। NH3 लिगांड स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होता है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन देता है हमें हाइब्रिडाइजेशन देगा D2SP3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हमें हाइब्रिडाइजेशन देगा D2SP3 और ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज कीजिए हम साइड में लिख रहे हैं या SP3D2 हो, D2SP3 हो, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंट होता है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। जब ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि अगर पेयरिंग करा ले तो हमें यहां से डी के दो ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे। पेयरिंग कराने पर हमें ऑन पेयरिंग D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। अगर हम लोग यहां पर पेयरिंग कराएं तो हमें D2 ना मिल करके D1 मिल जाएगा, और अगर D1 मिल जाएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां पर पेयरिंग जो है पॉसिबल नहीं होगा। इफ NH3 causes pairing pairing 1 3D ऑर्बिटल गेट एम्प्टी। एक 3D ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। हेंस D2SP3 cannot undergo इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल बनने के लिए आउटर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। फॉर ऑक्टाहेड्रल SP3D2 होना पड़ेगा, और अगर SP3D2 हो गया तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, और ये D2SP3 फॉर्म कर लेगा। इसीलिए
इसे हम इनर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम लोग यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए CONH3O6+3 को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा और NiHNH3O6+2 को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। प्रिडिक्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर PtCn4-2 आयन। इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखते हैं, हमारे पास है PtCn4-2। अगर यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें इसका, तो हो जाएगा X+-1×4=-2। X का वैल्यू हो जाएगा +2। इस तरह से प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिख सकते हैं 5d8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 5d8। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग फिल करेंगे 5d के ऑर्बिटल में, तो हमें देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है यहां इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर प्लेनर है, जब ये स्क्वायर प्लेनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा DSP2। इसका मतलब हमें यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना होगा, तभी हमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देंगे तो हमें फाइनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसका नंबर 0 देखने को मिलेगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा तो ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स PtCn4-2 आयन। तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इसलिए कह सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हेक्सा एक्वा मैंगनीज +2 आयन कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while hexacyano ion contain 1 unpaired electron, explain on the basis of CFT, crystal field theory। complex क्या दिया हुआ है, MnH2O6+2 और दूसरा दिया हुआ है
एम एन सी एन होल फोर नहीं होल सिक्स सॉरी होल सिक्स यहां पर हम लोग चार्ज को अगर माइनस टू रखेंगे तभी जा करके ये रोमन नंबर टू सेटिस्फाई होगा। इस कॉम्प्लेक्स में कहा गया है कि पहले कंपाउंड में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कंपाउंड में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग सीएफटी को देखते हैं पहले कंपाउंड के लिए तो डी के पांच ऑर्बिटल ब्रेक कर जाएंगे तीन ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल में। इसी तरह से यहां पर भी ब्रेक कर जाएंगे दो ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल में। डी में हमें पांच ऑर्बिटल देखने को मिलता है ये हो गए दोनों ही कॉम्प्लेक्स में। दोनों ही कॉम्प्लेक्स में Mn जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को रख रहा है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगी। तो पांच इलेक्ट्रॉन को अगर सीएफटी के हिसाब से अरेंज करें तो H2O एक वीक फील्ड लिगांड है तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा एक दो तीन चार पांच और सीएन माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है तो ये पहले पेयरिंग कराएगा ये जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग कहते हैं T2G और इसे कहते हैं EG। यहां पर हम कहेंगे T2G और इसे कहेंगे EG। ये जो ऑर्बिटल है इस सबका नाम हम लोग को पता होना चाहिए DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² DZ² यहां भी हो जाएगा DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² DZ² अगर हम लोग यहां पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा T2G3 EG2 और यहां पर हो जाएगा T2G5 EG0। इस तरह से हमने देखने को मिला कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर हमें देखने को मिला कि केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हम लोग देख पाए कि CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है और ये H2O
एक वीक फील्ड लिगांड है, वीक फील्ड जो वीक फील्ड लिगांड है वो पेयरिंग नहीं कराता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड पेयरिंग कराता है। इस तरह से हम लोग ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लिया कि MnH2O होल 6 प्लस 2 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और MnCn होल 6 माइनस 2 के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। आज क्लास में हम लोगों ने 5 अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन VBT और CFT के अकॉर्डिंग था और VBT CFT को अच्छे से समझते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो वीडियोस को बार बार देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और थ्योरी को रिवाइज भी करें। वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर डे लेक्चर को अपलोड किए जाते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।